मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोविड-19 महामारी के रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण प्रदेश के शासकीय कार्यालयों के कार्य दिवस सप्ताह में 5 दिवस निर्धारित किए गए थे। अर्थात प्रदेश के जो शासकीय कार्यालय हैं, इनमें सप्ताह में केवल 5 कार्य दिवस होंगे। इसमें जो अंतिम कार्य दिवस होगा अर्थात शनिवार, इस दिन शासकीय कार्यालयों का अवकाश रहेगा। और इस संबंध में जो आदेश जारी किया गया था सामान्य प्रशासन विभाग का, वो 31 अक्टूबर 2021 तक प्रभावशील है। अब इस आदेश को आगे बढ़ाते हुए इसे 31 मार्च 2022 तक प्रभावशील कर दिया गया है। अर्थात 31 मार्च 2022 तक प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों में जो कार्य दिवस हैं वो सप्ताह में केवल 5 दिवस रहेंगे। और इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 22 अक्टूबर 2021 को एक आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया कि उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए अपने अधीनस्थों को भी इस संबंध में सूचित करने का कष्ट करें। अब इसमें बहुत सारे शिक्षक साथियों का एक प्रश्न आ रहा था कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, क्या इस आदेश के तहत स्कूलों में भी 5 कार्य दिवस होंगे? अर्थात जो अंतिम कार्य दिवस है शनिवार, इस दिन स्कूल में क्या अवकाश रहेगा, क्योंकि स्कूल भी शासकीय कार्यालय ही होते हैं। तो इसमें बताना चाहेंगे कि इस आदेश के तहत स्कूलों में अवकाश नहीं रहेगा, बल्कि स्कूल में सप्ताह के सभी 6 कार्य दिवसों में हमें कार्य करना है। अब आपका प्रश्न कि शासकीय कार्यालय तो स्कूल भी है, तो जी हाँ, स्कूल भी शासकीय कार्यालय ही है। लेकिन यहाँ पर जो शासकीय कार्यालय लिखा है, यदि इसे एक सामान्य भाषा में हम समझें, तो ऐसे कार्यालय जहाँ पर लिपिकी कार्य किए जाते हों, जैसे एक उदाहरण के लिए हम समझते हैं संकुल, संकुल में जहाँ लिपिकी कार्य किए जाते हैं, जैसे बिल जनरेट किए जाते हों और अन्य जो डाक के कार्य किए जाते हैं, ऐसे कार्यालय सप्ताह में 5 दिन संचालित होंगे। और इसमें जो अंतिम कार्य दिवस है उस दिन अवकाश रहेगा शासकीय कार्यालय का। लेकिन यहीं पर ध्यान देना है कि संकुल में जो शिक्षक और छात्र हैं, इनका अवकाश नहीं रहेगा। अर्थात जो अंतिम कार्य दिवस है, इस दिन भी शिक्षक को अपना शिक्षण कार्य कराना है, छात्र आएंगे और अपना अध्यापन कार्य करेंगे। साथ ही इस आदेश के अनुसार यदि शालाओं में अवकाश रहता तो वरिष्ठ कार्यालय के द्वारा इसका आदेश जरूर जारी किया जाता। तो इस आदेश के अनुसार केवल शासकीय कार्यालय सप्ताह में 5 कार्य दिवस संचालित होंगे, वहीं शिक्षक और छात्रों के लिए सप्ताह में 6 कार्य दिवस संचालित किए जाएंगे। ये थी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की नवीनतम जानकारियों के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।